राजस्व आगे कोशिश करें इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या क्या सौदा हुआ है आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। पीएम मोदी ने शायद लोकसभा चुनाव में ठान लिया है कि दुनिया चाहे जो बोले लेकिन मनोरंजन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और मूर्ख बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। पीएम मोदी ने अब ऐसा बयान दिया है कि अंबानी अडानी भी माथा पकड़ लेंगे कि भाई साहब हमारी तपस्या में क्या कमी रह गई थी, हम खुद भी आपकी तारीफ करते हैं और टीवी चैनल भी खोल दिए हैं मोदी मोदी करने के लिए, फिर आखिरकार हमसे आप इतने नाराज क्यों हो गए जो राहुल गांधी को पैसा देने का आरोप लगा रहे हैं, वो भी बोरा भर भर के। पीएम मोदी ने राहुल गांधी को अंबानी अडानी से जोड़ते हुए क्या सवाल उठाया और क्या बयान दिया, जरा सुनिए। आपने देखा होगा कि कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे, पांच उद्योगपति, फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी। 5 साल से, लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा इस साझा देख कोशिश करें इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या क्या सौदा हुआ है आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर साल में कुछ काला है, 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई, मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है, जवाब देना पड़ेगा देश को। तो पीएम मोदी आरोप लगाते हैं कि राहुल गांधी ने अब अंबानी अडानी को कोसना बंद कर दिया है क्योंकि मोटा माल उन तक पहुंच गया है। राहुल गांधी से पूछते हैं कि कितना मोटा माल अंबानी अडानी से लिया है, लेकिन क्या पीएम मोदी के इस दावे में सच्चाई है? क्या राहुल गांधी ने वाकई अंबानी अडानी के खिलाफ बोलना बंद कर दिया है? कल ही चायबासा में राहुल गांधी का यह बयान सुनिए जहां अडानी को लेकर पीएम मोदी पर क्या बोला था राहुल गांधी ने। अडानी नाम है, आप जानते हो, उसकी नजर आपकी जंगल जमीन और जल पर है और नरेंद्र मोदी उसके लिए काम करता है और अडानी जी चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि ये जो किताब है ये खत्म हो जाए और उनका बिना इस किताब के राज चले। हम ये कभी नहीं होने देंगे, इस किताब को हम कभी नहीं खत्म होने देंगे। इस किताब के लिए हम जान देने को तैयार हैं, सारे के सारे आदिवासी, मैं, चंपा सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी, कल्पना सोरेन जी, सारे के सारे इस किताब की रक्षा के लिए जान देने को तैयार हैं। तो राहुल गांधी लगातार उसी तरह के बयान अडानी, अंबानी और मोदी को लेकर देते आ रहे हैं जैसा पहले दिया करते थे, लेकिन पीएम मोदी रैलियों में मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं और ये मान लेते हैं कि सामने बैठे जो मेरे समर्थक हैं वो राहुल गांधी का बयान तो सुनेंगे नहीं, इतना रिसर्च तो करेंगे नहीं, वो मान लेंगे कि राहुल गांधी ने मोटा माल लेकर अंबानी अडानी पर सवाल उठाना बंद कर दिया है। आप पीएम मोदी के चुनावी रैलियों में इस तरह मनगढ़ंत कहानियां बनाने को लेकर क्या सोचते हैं और कितना कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।